IBN 7 हौसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी पहुंच चुके हैं और सिडनी पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में वहां पर शानदार स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री आज सिडनी में भारतीयों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे अल्फोंस अरीना में होगा। मोदी के भाषण को सुनने के लिए ओलंपिक पार्क के अल्फोंस अरीना में करीब 16,000 लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं, जबकि स्कूली बच्चों ने खासतौर पर नमो नमो का गाना वहां पर तैयार किया है। और यही नहीं, मेलबर्न से सिडनी तक 4 बोगियों की स्पेशल ट्रेन मोदी एक्सप्रेस भी आज सुबह सिडनी पहुंच चुकी है। सिडनी में उनके संबोधन को लेकर जोर शोर से तैयारियां भी की गई हैं। अल्फोंस अरीना में बड़ी संख्या में लोगों के बैठने का इंतजाम है, तो बड़े बड़े स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं बाहर, जहां से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही आज सिडनी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया सिडनी में। और अभी हम आपको लाइव तस्वीरें सिडनी से दिखा रहे थे, अल्फोंस अरीना के बाहर से, वहां पर किस तरीके का माहौल था, किस तरीके का जोश था, वो आपने देखा। बस अब से थोड़ी देर में भारतीय समय के अनुसार 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर इंडियन कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि 15 से 16 हजार लोग अरीना के अंदर मौजूद होंगे। और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में खास क्रेज यहां पर देखा जा रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अल्फोंस अरीना के आसपास किसी कॉलेज के फेस्ट जैसा यहां पर माहौल हो गया है। लोग आज सुबह से ही ढोल नगाड़े और बाजे के साथ अल्फोंस अरीना के बाहर ही समा बांधे हुए हैं। इनके अलावा कई लोग तो डांस करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सिडनी में मोदी टी शर्ट की भी खासी धूम है। हमने काफी सारे लोगों को देखा जो नमो टी शर्ट वहां पर पहन के घूम रहे हैं। लोग कई डॉलर देकर मोदी टी शर्ट भी खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि एक शख्स ने $5,000 में एक मोदी टी शर्ट खरीदी है। पूरा सिडनी मोदी के रंग में रंगा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और आज की इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे जाने माने विदेश मामलों के जानकार पुष्पेश पंत और पूर्व राजनयिक पिनाक चक्रवर्ती, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में, आईबीएन 7 के स्टूडियोज में। सबसे पहले पुष्पेश पंत जी, अगर मैं आपके पास आना चाहूं, आज बहुत बड़ा इवेंट है, लग रहा है जैसे मेडिसन स्क्वायर में जो सितंबर में हुआ था वैसा ही आज एक इवेंट यहां पर लग रहा है। भारतीय कम्युनिटी भी जो है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बहुत बड़े तादाद में, लगभग 3 लाख के आसपास, और इस अरीना में आज 15 से 16 हजार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। आपको लगता है कि यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की रिलेशनशिप को है वो हार्नेस करने की जरूरत है, इस कम्युनिटी तक पहुंचने की जरूरत है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी की खासियत है कि जहां वो जाते हैं किसी भी विदेश यात्रा में अपने साथ भारत लेके जाते हैं, और जहां पहुंचते हैं वहां जो भारत बसा हुआ है उसको नए जोश से भर देते हैं। तो ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट अपनी छवि सुधारने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं राष्ट्रहित का साधन भी इसमें अनायास होता है। जो आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों में 2-3 साल पहले खासा मनमुटाव तनाव था, भारतीय छात्रों को नस्लवादी हिंसा का शिकार होना पड़ रहा था, और कुछ मनोमालिन्य इस बात को लेकर भी था कि ऑस्ट्रेलिया पारमाणविक ईंधन के मामले में भारत के साथ सहकार नहीं कर रहा है। तब से अब तक स्थिति बहुत बदल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया उन कुछ गिने चुने देशों में से था जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी की संभावनाओं को पहचान लिया था, और आज उस 10 साल पुरानी बोई फसल को ऑस्ट्रेलिया ही काट रहे हैं। और यही स्थिति मोदी जी के बारे में है कि जिस ऑस्ट्रेलिया को आम हिंदुस्तानी सिर्फ क्रिकेट के लिए पहचानता है, उसमें वो पूंजी निवेश की बात करते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया भारत में पूंजी निवेश करें, भारतीय उद्योगपति भी वहां पूंजी निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल पिनाक चक्रवर्ती जी, एक बात बताइए कि यहां पर जो लोग होंगे वो तो इंडियंस है ही, यहां भारत में भी बहुत सारे लोग आज नरेंद्र मोदी को देखेंगे, लाइव कवरेज हो रही होगी, आपको क्या लगता है ऑडियंस कौन सी है? ऑडियंस तो मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में है, जहां भी हमारे लोग बसे हुए हैं सब देखेंगे इसको, क्योंकि ये जो शुरू हुआ था इसका सिलसिला मेडिसन स्क्वायर से, अब ये चला है, बहुत देशों में गया है, ऑस्ट्रेलिया में भी गया है। ये मत भूलिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो भारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉइस्ड हिज व्यूज ऑन अ टॉपिक व्हिच वी कंसीडर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, दैट्स नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स। नंबर 2 इज अपार्ट फ्रॉम द G20 मीटिंग्स, द प्राइम मिनिस्टर हैज मेट नो लेस देन 15 लीडर्स। We were not able to accommodate everybody purely on times of
given the scheduling constraints, but they've had informal consultations with every leader present there. Also, you would notice that following the G20, we immediately switched on to another mode. What is being practiced is what's called multi-layered diplomacy. One layer is in terms of international engagements at a multilateral level. Another layer is engagements of public diplomacy, where the Prime Minister yesterday and today is engaged with different sections of the public to spread a common message about his vision of India, about the India where he would like others to come and invest. Tomorrow, following this, we will then have a third element in multi-layered diplomacy, and that is government-to-government discussions. So you can see in one trip, three cities, in one day, what else can you say? Sir, you were seeing everything from very close quarters. और हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ अब बने हुए हैं, पिनाक चक्रवर्ती जी और साथ में पुष्पेश पंत जी. इनसे भी बात करेंगे आगे क्या होगा, आज कैसे क्या भाषण देंगे, क्या क्या सब्सटेंस रहेगा उसमें, ये चर्चा करेंगे हम पुष्पेश पंत जी और साथ ही पिनाक चक्रवर्ती जी भी. पिनाक जी, अब हम लोग बात करते हैं ऑडियंस की, कौन होगा इंडिया में जो पूरा है आज जहां पे लाइव देखा जाएगा, वो या फिर वो कम्युनिटी जो आज ऑलफोन्स अरीना में मौजूद होगी. देखिए, उनका ऑडियंस विश्व भर में होगा, सिर्फ भारत में नहीं, भारतीय मूल के लोग जो बाहर हैं, और मैं लगता हूँ विश्व के सभी देशों में ऑडियंस होगा, क्योंकि वो जो मेडिसन स्क्वायर प्रोग्राम से जो सिलसिला चला था, अब वो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में, आज सिडनी में पहुँचा हुआ है, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, जोश है. मुझे लगता है उनका जो स्पीच होगा, खैर उस पर बाद में बातचीत होगी जरूर जब सुनेंगे हम, पर वो जोश से भरेंगे लोगों को, बताएंगे कि हिंदुस्तान में वो क्या करने वाले हैं, भारत में क्या करने वाले हैं. पर ये मैं जरूर कहूँगा कि ये सब के बाद असली काम तो देश में है. असली काम जो यहाँ पे करना है वो है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन ज़रूर वापस आएगा. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, एनर्जाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, और डिलीवरी है, और रेड टेप ख़त्म करना है, और FDI अगर लाना है मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो हमें ये सब, तो ये तो घरेलू मामले हैं, यहीं पे करना है वो काम. और ये प्रोजेक्शन जो हो रहा है, ये भी साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि उससे जो फोकस है वो इंडिया पे वापस आ जाता है. हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हमारा मतलब जो गोल है, मकसद है, उस पर हम अगर 2-3% इसको बढ़ाना है और 9-10 तक खींच के ले जाना है, तो ये सब ज़रूरी है. मैं तो मानता हूँ कि ये सब क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एक पॉलिसी पूरी जो एक मैक्रो पॉलिसी की, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब ये पब्लिक डिप्लोमेसी का इंस्ट्रूमेंट है, आप कह लीजिए, जैसे हमारे वो स्पोक्स पर्सन कह रहे थे. ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, लोग देखेंगे, लोग समझेंगे, और उन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बाहर के जो पूंजीवाद हैं, जो इंडिया में आने को हम कह रहे हैं आइए, जैसे डिफेंस सेक्टर में आपने देखा 49% FDI फॉरेन कर दिया है, तो उससे जो जॉइंट वेंचर्स होंगी उससे हमें फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा. हमको ये बहुत ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना, क्योंकि ये जॉबलेस ग्रोथ का जो काफ़ी एक सिलसिला रहा है, इसको हमको पीछे रखना है. इंडिया मस्ट बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, इसी में जॉब्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. पुष्पेश पंत जी, आज सुबह जब नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी के साथ, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे नीतिगत बदलाव किए हैं, चाहे वो लेबर क्षेत्र में हो या फिर टैक्स रिफॉर्म्स में हो, हमने बदलाव किए हैं. क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी एक होप पैदा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आशा पैदा करने वाली बात के बारे में सवाल करना बेमानी है, क्योंकि आशा तो वो पैदा कर चुके हैं. चक्रवर्ती साहब भी जो बात इशारा कर रहे थे, रेखांकित कर रहे थे, जोश वो पैदा कर सकते हैं, और जो कुछ वो देश के बाहर कर रहे हैं उसका असली मुद्दा तो देश के भीतर है. जो असली चुनौतियां आर्थिक विकास की हैं वो आंतरिक हैं, मगर जब विदेश में इस तरह का कोई पराक्रम होता है, जिसको आप अश्वमेध का नाम दें या उनकी दिग्विजय का अभियान कहें, उससे देश में भी एक नई आशा और जोश का संचार होता है, और लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री ने लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक मंदी के दौर को समाप्त करने वाले गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया है, तो शायद कुछ कड़े फैसले भी जो स्वदेश में बहुत लोकप्रिय नहीं होते, वो फिर शायद उनके बारे में सर्वसहमति आंतरिक नीतियों में भी पैदा की जा सकती है. मुझे लगता है मोदी जी का उद्देश्य यही है.
टिपिनाजी, G20 के मंच पर नरेंद्र मोदी ने कालाधन का मुद्दा भी उठाया और बहुत सारे अलग अलग मुद्दे उठाए। ड्रग्स की बात भी उन्होंने करी, एनवायरमेंट की बात भी करी। तो आपको लगता है कि G20 के जो मंच है उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बखूबी किया है? मैं तो समझता हूँ कि अच्छा ही हुआ है जो उन्होंने कहा है, क्योंकि ये इसका एक पॉलिटिकल पहलू भी है, राजनीतिक पहलू तो जरूर है, काला धन वगैरह जो है। पर G20 अपने उसका जो मूल, उसका जो जन्म हुआ था वो इकोनॉमिक क्राइसिस से हुआ था। पहले तो खैर G20 फाइनेंस मिनिस्टर मिलते थे और उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मिलते थे, पर 2008 से समिट शुरू हुआ है और ये 9th समिट है G20 का। तो इसमें क्या है, ये लोग हमारी जो मंदी चल रही है विश्व के बाजार में या विश्व आर्थिक स्थिति जो है उसमें एक मंदी चल रही थी और 2008 में तो क्राइसिस ही हो गया था जिसमें सब लोगों के जो GDP ग्रोथ रेट्स हैं सब नीचे आ गए थे। अब उसी को देखना है क्योंकि ये सबसे 20 जो देश हैं सबसे बड़े GDP ग्रोथ है, 85% ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं विश्व प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन में। और है चाइना है, इंडिया है, तो नेचुरली पॉपुलेशन भी शायद 70-80% इन्हीं का होगा। तो ये लोग मिलके इनको करना है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनी थी जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी था, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, जिसकी चर्चा यहाँ हुई है कि उसको कैसे सुधारा जाए, कि क्या उसमें वेटेज चेंजेस हो, वोटिंग पैटर्न चेंज हो, क्योंकि ये बड़े बड़े हमारे इंडिया चाइना जो इकोनॉमिक पावर्स हैं अभी वो उभर के आए हैं, पर उनका पर वो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो 50-60 साल पुराने उस पर चल रहे हैं, ढांचे पे चल रहे हैं। तो उसको बदलना है किस तरह से, WTO कैसे, उसके गैट के बाद WTO बना, ये जो विश्व इंस्टीट्यूशंस हैं G20 को इनको भी सुधारना है। सो ये इकोनॉमिक इश्यूज ही मेन इश्यूज हैं G20 में। अब तो खैर क्लाइमेट चेंज भी आ गया है उसमें, पर वो भी एक तरह से इकोनॉमिक इश्यूज हैं क्योंकि उसका इंपैक्ट वो जैसे पड़ता है कि आप बिजली कैसे बनाएंगे, तेल से बनाएंगे, कोल से बनाएंगे, एनर्जी सेक्टर की भी बात की गई इस बार, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे होगा, क्लीन एनर्जी, ये सब मुद्दे उसमें आ जाते हैं।